रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। नवरात्रि की अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि के आठवें दिन की खास बात यह है कि आज का दिन माँ शक्ति के आठवें स्वरूप महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। कन्या पूजन में छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को माता का स्वरूप समझकर उनका स्वागत करते हैं, साथ ही कन्याओं को पूजा कर उन्हें भोग लगाते हैं और माँ गौरी को अपना पूजा से प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नवरात्रि में माता अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की सेवा आराधना करने से घर में सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और माता की कृपा मिलती है। माँ महागौरी का आठवां स्वरूप, देवी दुर्गा का आठवां स्वरूप माने जाने वाली महागौरी की बात करें तो सांसारिक रूप से इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है। ठीक इसी प्रकार एक हाथ अभय मुद्रा में तो वहीं दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है। ऐसे में माँ का स्वरूप का शब्दों में वर्णन असंभव है। माँ महागौरी के हाथ में त्रिशूल होने के नाते इसके चलते माँ को शिवा भी कहा जाता है, क्योंकि डमरू बाबा शिव का प्रतीक है। और माता के रूप की बात करें तो माता कालरात्रि का स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही माँ का स्वरूप उतना ही शांत और दृष्टिगत है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु मौजूद हैं कटौता चौराहे से। विभांशु, आप माता के दरबार में उपस्थित हैं, माता के भव्य रूप को देख रहे हैं, माता के पंडाल में मौजूद हैं, वहां पर श्रद्धालुओं से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, वहां का क्या मनोरम दृश्य आपकी नजर में है, थोड़ा सा जानना चाहिए। जी मनीष जी, आपको बता दें कि बुराई पे अच्छाई की जीत, यानी कि नवरात्रि का त्यौहार। आपको बताएं कि जो त्रिदेव थे, चाहे वह बात की जाए ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके आह्वान पे, उनके कहने पर जो माँ दुर्गा थी उनके साथ महिषासुर के 10 दिन युद्ध चला था, जिसमें इस वक्त हम कठौता स्थित दुर्गा पंडाल पे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां सजावट काफी अच्छे भाव में की गई है। अंदर आपको दिखाएं कि सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अपने आस्था को लेकर यहां आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ठीक सामने माँ दुर्गा का प्रतिमा है, जो कि इसे आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। और आपको बताएं कि इस त्यौहार को कहीं ना कहीं अभी देखें तो भारत उपमहाद्वीप के साथ साथ अगर देखें तो 91% वाले नेपाल में भी मनाया जाता है। वहीं आपको बताएं कि 8% जहां हिंदू आबादी है बांग्लादेश, वहां पे भी इसको प्रमुखता से मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो भारत में इसकी शुरुआत बंगाल में मानी जाती है और बंगाल के अंदर में एक पूरे पर्व की तरह से मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक जो हर एक व्यक्ति अपने कामों को छोड़कर और दुर्गा जी के आस्था में लग जाता है। जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि बंगाल के अंदर में अगर देखें तो चाहे छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में पूरी लग जाता है। 9 दिन की इस पूजा में 9 दिन का व्रत रखते हैं। साथ ही आपको बताएं कि बंगाल के अंदर में अगर देखें तो हर दिन तमाम अगर कलाएं पेश की जाती हैं, साथ ही साथ हर दिन भोज भी बन दिया जाता है और भोग खिलाने के बाद जो तमाम लोग होते हैं उनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और माँ दुर्गा से कहीं ना कहीं जो देश और साथ ही साथ अपनी और तमाम लोगों की जो तरक्की है, सलामती है, उसके बारे में आग्रह करते हैं माँ दुर्गा से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ दुर्गा का आठवां दिन जो नवरात्रि का है वो चल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ मनीष जी, हम तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये जो पंडाल बना है इसके समिति के सदस्य हैं, इसमें तमाम पदाधिकारी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस दुर्गा जी के पंडाल को वो कब से बनाते हैं। साथ ही आस्था की बात की जाए तो अगर बात की जाए तो ये पंडाल कब से यहाँ बनाया जाता है और किस किस तरह की प्रदर्शनियों को यहाँ दिखाया जाता है। पूजा हम लोग करीब 8 से 10 साल हो गया चालू किए हुए और उसी समय से चल रहा है और कठौता झील पे हमारा दुर्गा पूजा ऑफिशियली अप्रॉक्स 2014-15 से चालू हो गया है।
और हम काली जी और माँ दुर्गा पूजा की जो हमारा सिस्टम है वो जो बंगाल में जैसा पूजा होता है हम उसी पद्धति से यहाँ शुरू से ही पूजा करते चले आ रहे हैं और सारे भक्तों का आदर सम्मान के साथ हम अपने पांच खंड जो विनम्र खंड वास्तु विनम्र विजयंत विराज ये सारी चीज़ों को सारे पब्लिकों को हम लोग कवर करते हैं और सबसे डोर टू डोर जा करके आग्रह करते हैं भक्तों से कि आप आएँ और माता जी का दर्शन करें और उसका लाभ प्राप्त करें। इसमें हम लोग कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं शाम को और बाकी दोपहर का भंडारा भी करते हैं जो माता जी का बहुत बृहद पसंद वाला प्रसाद है एक खिचड़ी कहा जाता है वो चीज़ का भोजन हम लोग। होता है मुख्य रूप से इसे बंगाल में ही पहले मनाया जाता है धीरे धीरे पूरे देश में साथ ही साथ भारत उपमहाद्वीप चाहे बांग्लादेश की बात की जाए चाहे नेपाल की बात की जाए हर जगह प्रमुखता से मनाया जाता है। तो भोग के दौरान अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में भोग बनाई जाती है और भक्तों का क्या रुख रहता है? माता जी का हमारे यहाँ जो भोग बनता है श्री श्री माँ दुर्गा पूजा पंडाल में वह मुख्य रूप से चावल और मूंग की खिचड़ी का बनता है। उसकी संख्या हमारे कम से कम चार भगोना मतलब कुल मिला के हम 3 से 4 क्विंटल बनाते हैं जो दोपहर के समय हमारे सभी भक्तगणों को हमारे पदाधिकारी गण को हमारे अन्य जो भक्तगण आते हैं उन सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा माता का खीर बनाया जाता है और सारे भक्तगणों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कल नवमी के दिन हमारे यहाँ विगत कई वर्षों से भंडारे का भव्य आयोजन होता है। हम लोगों का समिति का प्रयास ये होता है कि हमारे कोई भी भक्तगण प्रसाद से वंचित न रह जाए ये हमारा प्रयास रहा है विगत 10 वर्षों से। हमारे साथ मनीष जी एक पुजारी जी हैं इनसे भी हम बात करेंगे नवरात्रि के महत्व को लेकर। उनके बीच एक माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके और बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी और एक संदेश दिया था कुछ चीजें बताएं उस दौरान के बारे में। वध इसीलिए किया गया कि जो उसका तात्पर्य है जो समाज में असमानता है वो समानता ना हो शांति हो उपद्रव ना हो वो शांति का एक संदेश दिया और उपद्रवियों का और राक्षसों का संहार किया ये माता जी का मुख्य उद्देश्य था। इसमें देखा जाता है कि 9 दिनों में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। आज अष्टमी है माँ गौरी का दिन है तो हर एक देवियों का जो हर एक दिन अलग अलग रूप होता है माता का उसका क्या महत्व है? देखिए उसका 9 देवियों का जो महत्व है हर देवी का अपना अलग अलग महत्व है। आज जैसे माँ गौरी का है माँ गौरी जो है वो शांति का प्रतीक है वैभव प्रदान करती हैं शक्ति प्रदान करें धन धन और लक्ष्मी सारे सब कुछ प्रदान करती हैं और कल नवमी सिद्धदात्री का रहेगा जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज भी है दोनों दिन जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो आज भी उस तपस्या करते हैं और कल भी करेंगे तब उनको सिद्धि प्राप्त होगी। कहा जाता है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करके बुराई पे अच्छाई की जीत हासिल की थी इसके ठीक बाद दशहरा होता है तो दोनों के बीच क्या संबंध है? दशहरा जो दशहरा के अंदर दशहरा जो त्यौहार होता है वो वही है कि अन्याय पे न्याय का विजय। भी उन्होंने असुर का संहार किया और अन्याय पे न्याय का विजय दिलाया। जी तो साफ तौर पे आपने मनीष जी सुना कि न्याय पे अन्याय पे न्याय की जीत इस त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि धीरे धीरे शाम ढलती जा रही है और भक्तों की जो तादाद है उसमें इजाफा होते जा रहा है अंदर आरती चल रही है और बड़े ही भव्य तरीके से इस पांडाल को सजाया गया है। आपको बताएं कि इस पांडाल को बनाने के लिए विशेष तौर पर बंगाल से कारीगर आए थे जो यहाँ की जो सजावट है उसको किए हैं साथ ही साथ माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको बनाए हैं। इसमें अलग अलग जो बंगाल से अगर देखें तो इस प्रमुखता से बंगाल के अंदर में जो दुर्गा जी की प्रतिमा होती है उसको बनाने वाले कारीगरों की उपलब्धता ज़्यादा होती है। वो देश भर में और अलग अलग जगहों पर जाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाते हैं। साथ ही मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूँगा कि वो पांडाल का दृश्य दिखाएं कि पांडाल को कितना भव्य तरीके से बनाया गया है और कहीं ना कहीं इस पांडाल से
देखें तो हूबहू एक महल का रूप दिया गया है और इसमें खास तौर पे बंगाल के जो कारीगर हैं उनकी नक्काशियों को साफ तौर से आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं हमारे साथ इस जो पंडाल है यहाँ की जो समिति है उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनके लगातार प्रयासों से यहाँ पंडाल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपके अथक प्रयास और तमाम देखें तो तमाम कामों के बाद इस पंडाल को तैयार किया, तो साल भर का जो समय होता है इस पंडाल को बनाने के लिए क्या क्या मेहनतें आपके द्वारा की जाती हैं, और देखें तो एक भारी चंदा भी लगता है इसमें, और आसपास के जो खंड हैं अगर बात की जाए गोमती में, जैसा कि आपके सहयोगी ने बताया, तो क्या खर्च आता है, लोगों के अंदर कैसा उत्साह होता है इस त्यौहार को लेकर? लोगों के अपार उत्साह का ही नतीजा है जो दिनानुदिन ये भव्य रूप धारण किया है। इस बार ये 12वीं वर्ष माँ का पूजा हो रहा है, ये पंडाल दिनों ने दिन भव्य रूप लेता जा रहा है। बहुत छोटे से शुरू हुआ था और ये जितने तमाम मोहल्ले हैं, वास्तुखंड, विनम्रखंड, विभवखंड, विजयंत खंड, ये सब तमाम लोगों की अथक प्रयास है, सहयोग है, और हमारी समिति के सभी सदस्य अथक मेहनत करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक टीम में हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, वो सबका सदा हमें पूरा सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसी का नतीजा है जो आज हम ये भव्य रूप को देख रहे हैं। हम लोग कभी सोचे नहीं थे ये भव्य रूप हमें मिलेगा, ये हमारी 12वीं पूजा है, तो मतलब सभी के सहयोग से पंडाल का पूर्ण सहयोग है, पूर्ण सहयोग से ये निर्माण हुआ है, और सभी कार्यकर्ता जितने सदस्य हैं अथक प्रयास करते हैं, सब सर्विस होल्डर लोग मोस्टली हैं, वो दिन में ड्यूटी करते हैं, शाम में चंदा काटते हैं, सबसे सहयोग लेते हैं। हमारे मार्गदर्शक जैसे ये पंडित एस चंद्रा हैं, ये हैं रविन्द्रनाथ शुक्ला जी हैं, सीएल सिंह जी हैं, ये हमारे नल्लीकांत जी हैं, उत्पल कांत जी हैं, सब ये हमारे नल्लीकांत जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सभी सदस्य हमारे अथक प्रयास कर रहे हैं, उसी का नतीजा है। हमारे सचिव हैं एडवोकेट विजय शर्मा जी, देखिए आप पंडाल में वो लगे रहते हैं, सबका जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तो साफ तौर पे आपने सुना कि अध्यक्ष जी का कहना था कि ये आसपास के जो लोग हैं उनके अथक प्रयास से और उनके मैं जो उनकी अगुवाई में जो इनको मजबूती देने का काम पीछे से किया जाता है उसके द्वारा ये कहीं ना कहीं जो पंडाल है उसका निर्माण करते हैं। अब हम दर्शकों से भी बात करेंगे जो यहाँ पूजा को पूजा के लिए आए हैं, साथ ही साथ अपनी आस्था को लेकर आए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और इस बुराई के पे अच्छाई की जीत के त्यौहार पे आप क्या कहेंगे? मेरा नाम देवानंद गोयल है, ठीक है, और मुख्यतः दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है जो मेनली 10 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार पे माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी 10वें दिन, इसलिए यह त्यौहार हिंदुओं को बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप दर्शन करने आए हैं, अगर देखें तो आज 8वां दिन है और तमाम लोग अगर देखें तो भारत उपमहाद्वीप के साथ साथ नेपाल में भी इसे मनाया जाता है जहाँ 91% हिंदू आबादी है, बांग्लादेश जहाँ 8% हिंदू आबादी है, बंगाल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। माँ दुर्गा से आप क्या पूजा अर्चना में अगर देखें तो आप उनसे अगर देखें तो लोग व्रत भी रहते हैं, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि माँ दुर्गा का जो है आस्था है सबसे, ये सब आस्था को देख कर जो है सभी भक्त आते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, सभी व्रत जी। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग, चाहे बात की जाए युवा, चाहे बात की जाए बच्चे, सभी यहाँ आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं और आप पूजा अर्चना के लिए आई हैं माँ दुर्गा से, आप देखें तो लोग व्रत भी रहते हैं और बुराई पे अच्छाई का त्यौहार कहा जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? माँ दुर्गा को देखा जाए तो इसे बुराई पे अच्छाई की, बुराई पे जीत की त्यौहार कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा 10 दिनों तक महिषासुर के साथ उनका एक संघर्ष चला था जिसके बाद महिषासुर का उन्होंने वध किया था, आप क्या कहेंगे? क्या साफ तौर से अगर देखें तो यहाँ
जो लोग अपनी श्रद्धा को लेकर आए, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बुराई पे अच्छाई का जो त्योहार है उससे कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहिए। जी मनीष जी, विवांशु हम आपको रोकना चाहेंगे। आपके माध्यम से हमने इतना माता के दरबार का दर्शन किया और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने भी माँ के इस भव्य स्वरूप का दर्शन किया। हमारे साथ रितेश भी जुड़ चुके हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, रितेश के पास चलते हैं। रितेश, आप जानकीपुरम में इस समय मौजूद हैं और माता का दरबार सजा हुआ है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज नवरात्रि का आठवां दिन महागौरी का दिन है, मैं चाहूंगा कि वहां के भव्यता के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी मनीष, जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिखाया था जानकीपुरम के सहारा स्टेट में किस तरीके का भव्य दरबार नाव पे सजा हुआ था। अब जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं जानकीपुरम स्थित सेक्टर एफ में, यहाँ पे माँ का दरबार बहुत ही भव्य सजाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम एक बार कैमरामैन से अपने कहेंगे एक बार पीछे की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से माँ का ये दरबार भव्य पंडाल सजाया गया है, जो की 138 फीट की इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। लगभग ये वृंदावन में इस तरह का इस्कॉन मंदिर एक बन रहा है, उसके तर्ज पर इस पूरे थीम को लिया गया है। और जो एक देखने का विषय बना हुआ है हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ही नक्काशी से इस चीज को बनाया गया है, कितने कारीगर इसमें लगे होंगे, महीनों से काम चला है, तब जाकर के इस तरह का भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया गया है। और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर लाइन से आते जा रहे हैं और उनका टाटा आने का चलता ही जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जानकीपुरम में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो इतना बड़ा ऊंचा पंडाल बनाया गया है, लगभग 138 फीट ऊंचाई का ये पंडाल बना हुआ है, इसमें महीनों लगे हुए इसको बनाने में, और इसमें जो यहाँ के आयोजक थे उन लोगों ने बड़ी ही मेहनत करके इस पूरे पंडाल को सजाया है। और यहाँ पे काफी भीड़ भी है, हमारे साथ श्रद्धालु भी कुछ है, हम उनसे बात करेंगे। एक मिनट आइए, हम बात करते हैं आपसे। आप माता के दर्शन के लिए आए थे, क्या लगा इस पंडाल को देख करके लखनऊ में, किस तरीके का पंडाल आपको ये लगा? बहुत और बहुत स्मूथली ये लोग प्रॉपर करवा रहे हैं, लाइन लग के जा रहे हैं, लाइन लग करके आ रहे हैं, तो कोई मेसअप नहीं हो रहा, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो रहा, आराम से सारी चीजें हो रही है, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आई हैं दरबार में, आप माता जी का दरबार में आई हैं दर्शन करने, दर्शन किया आपने, कैसा लगा, कैसा दरबार लगा, कभी ऐसा दरबार आपको देखने को मिला, क्या क्या देखने का केंद्र लगा आपको, कैसा लगा? कोविड प्रोटोकॉल, जब कोविड यहाँ चला 2 साल कोविड के बाद, आज पहली बार आपको लग रहा होगा कि हाँ किसी मेले के आयोजन में या किसी उस आयोजन में, कैसा लग रहा है आपको? आप मातृशक्ति हैं, आप एक महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आज अष्टमी के दिन? हम यही चाहेंगे कि व्रत के साथ साथ हमें अपने अपने कर्मों से और मतलब सत्य जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। और मनीष, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए दरबार एक बार जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि ये वृंदावन में ही देखने को मिलेगा, जो अभी बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। और एक बार हम देखेंगे भव्य मंदिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, एक बार अंदर माता का दरबार किस तरह से सजा हुआ है, एक बार मैं अंदर की भी झांकी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अंदर की झांकी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि गणेश भगवान की मूर्ति, कार्तिकेय जी की और महिषासुर मर्दिनी माँ जगत जननी की भी तस्वीर, बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है। मैं चाहूंगा सारे दर्शक इसको देखें। रितेश, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को माता का भव्य रूप दिखाने की कोशिश करिए और थोड़ा सा करीब तक पहुंचने की कोशिश करिए ताकि साफ दिखाई दे। बिल्कुल, हम पहुंचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरूर दरबार के अंदर चलें और वहां पर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से माँ का दरबार सजाया गया है, कितना भव्य दरबार है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ श्रद्धालु भी आ रहे हैं, आप देखते रहिए। ये दरबार माँ का
यहाँ पे जो लखनऊ में सेक्टर एफ में जानकीपुरम एरिया में ये दरबार सजाया गया है। ये दरबार जो बनाया गया है ये वृंदावन में ये स्थान मंदिर बन रहा है, जिसके जो उसका प्रारूप पूरा दिया गया है। अभी हमने कल आपको सहारा स्टेट में भी दिखाया था, नाव पर वहाँ पे सवार थे। आज यहाँ पे जो ये दरबार लगा हुआ है ये पूरा वृंदावन में जो स्थान मंदिर बन रहा है उसकी थीम पर बनाया गया है। आप ये दरबार दिखा सकते हैं दर्शकों को। और यहाँ कुछ श्रद्धालु और कुछ यहाँ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, एक बार जानेंगे कि वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। एक बार मैं किसी से बात करना चाहूंगा। एक मिनट, आप दरबार में आए हैं माँ के दर्शन करने, कैसा लग रहा है ये दरबार जो सजाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही भव्य है। मैंने पढ़ा था कि ये लखनऊ का मंदिर के ऊपर बनाया और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मजा आया बहुत अच्छा लगा। तो आपको मरीज दरबार हमारा ये जो दरबार माँ का बना हुआ है आप दिखाते रहें, सभी दर्शक इसको देखते रहें, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग इस दरबार को देखते रहें। अभी यहाँ भीड़ काफी है मनीष, मैं बाहर निकल करके और भी चीजें आपको दिखाऊंगा, किस तरह के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं और किस तरह की और जानकारी है, मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ मनीष। जी हाँ रितेश, देख पा रहा हूँ मैं कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर पंडाल बना है माता जी का, और वहाँ पे इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इनको भी थोड़ा सा आप मचाऊंगा, दिखाइए। जी मनीष जरूर, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ इधर स्टॉल भी लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी लोग हैं यहाँ पे, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और कुछ हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे दरबार उन्हें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ मौजूद है यहाँ पे बात करने के लिए। अगर आप इस दरबार में आए हैं माँ के दरबार में, इस तरह का जो भवन बनाया गया है ये क्या पहली बार लखनऊ में ऐसा देखने को मिला, क्या इसमें जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कलाकारी है, मतलब जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। हमने लगभग सारे ही पंडाल देखे लखनऊ में आके, अच्छा है, काफी बहुत काफी। तो मनीष आप देख रहे हैं कि ये दुर्गाष्टमी है, आज दुर्गाष्टमी के दिन भी काफी भीड़ है, दो दिन की और बची हुई, दसवीं का भी आ रहा है, और उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो भीड़ दिखाई दे रही है लगातार पूरा दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मरीज। आपने पूरी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा विभांशु के पास भी चला जाए, विभांशु से भी वहाँ का जायजा लिया जाए, माता के दरबार में पहुंचा जाए। रितेश हमारा विभांशु संपर्क थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है इस समय, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और सीएम योगी ने खुद कहा है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। जी मनीष, मैं एक बार यहाँ पे और भी कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ स्टॉल लगाए गए हैं, हम चलते हैं सांस्कृतिक मंच की ओर, यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उसे भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके के लोग यहाँ पे कैसे मनोरंजन का लाभ उठा रहे हैं। दो दिन का और ये हर्षोल्लास का त्योहार बचा हुआ है, इसके बाद माता की विदाई होगी। आप देख सकते हैं कि अष्टमी के दिन भी लगातार जो भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपकी बार कोविड के बाद दो साल के बाद जिस तरीके से लोगों में हर्षोल्लास आया है ये पहली बार देखने को मिल रहा है दो साल में। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, सांस्कृतिक मंच लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं, बच्चों के अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ रितेश, हम देख पा रहे हैं कि आप और विभांशु दोनों हमारे संवाददाता जानकीपुरम से और दूसरे कटौता चिन्हट से मौजूद हैं, और माता की भव्य पंडाल का जो स्वरूप हम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से बहुत ही भव्य है, और आप उसके बराबर उसका दर्शन दर्शकों को करा रहे हैं। हम विभांशु के पास चलते हैं। विभांशु, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और योगी प्रशासन ने खुद कह रखा है कि पुख्ता इंतजाम किए जाए समितियों द्वारा? जी बिल्कुल मनीष, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। अगर बात करें तो त्योहारों को देखते हुए जो लखनऊ कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से तत्परता के साथ इसे जो प्रांगण है वहाँ सुरक्षा के हर एक इंतजाम किया गया है। अगर बात की जाए तो आप ठीक सामने देख सकते हैं कि यहाँ जागरण के लिए जो मंच लगाया गया है वहाँ खा...
आपको देखेंगी, साथ ही आपको बताएं कि जो अगर यहाँ भारी संख्या में गए देखें तो जो श्रद्धालु हैं उसमें कुछ जी हाँ हमारे जो जी विवांशु हम चाहेंगे वहाँ पे थोड़ा सा श्रद्धालु से बात करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हम आपको बताएं कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो हर एक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग भी लगाई गई है कि गाड़ियों की संख्या, क्योंकि पंडाल एक सड़क पे बनाया गया है और दूसरी तरफ से सड़क को चलाया भी जा रहा है तो कोई व्यवस्था ना पहले, इसके लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के बाद लखनऊ कमिश्नरेट की सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, तमाम जिम्मेदार भी मौके पे हैं। अभी अगर बात की जाए तो इस पंडाल के जो ठीक सामने भी पुलिस लगाई गई है, उसके अगर बात की जाए तो जहाँ से एंट्री है वहाँ पे भी पुलिस हर एक चीजों को नजर बनाई हुई है। और यहाँ हमारे साथ एक आंटी, उनसे भी हम बात करेंगे। आंटी हमें ये बताएं, इस त्योहार को कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, माँ दुर्गा ने 10 दिनों तक महिषासुर के साथ संघर्ष किया जिसमें अच्छाई की जीत हुई, उस दौरान उन्होंने 9 रूप लिए, तो हमें आप कुछ किस्सा बताएं। अब ऐसा है ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत इसलिए है कि उन्होंने अपने सनातन धर्म चलाने के लिए माता जी ने महिषासुर को मारा, शुम्भनिशुम्भ को मारा, धूम्रलोचन का वध किया और जो देवताओं का उन्होंने कल्याण किया, समझ रहे हो। और ये इसलिए नौ दुर्गा का पूरा 9 दिन का मनाया जाता है नवरात्र, और माँ दुर्गा साक्षात यहाँ पर है। और ये पंडाल जो है आज कई साल से लगता है और बड़ी महत्वता है इस पंडाल की, ये जो हम लोग हर साल आते हैं और हम इनसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे जुड़े हुए, इस मंदिर से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग से जो हो सकता है हम वो यहाँ पर करते हैं। अच्छा आंटी, हमें ये बताएं कि कोविड काल के दौरान पंडाल नहीं बनाए गए थे, पूरे देश भर में पूरा देश कहीं ना कहीं महामारी से खेल रहा था, उस दौरान की किस्से बताएं कि दुर्गा पूजा को आपने कैसे मनाया था। नहीं, उस दौरान हम दुर्गा पूजा अपने घर में मनाते और माता जी से यही कहा कि माता जी आप क्यों रुष्ट हैं, हमसे आप क्यों रुष्ट हैं, आप ये सब जितनी महामारी चल रही है सब आप इनको खत्म करिए और माँ आप शांत हो जाइए, और जैसे आप शांत होगी तो फिर से हम लोग अच्छे से आपका दुर्गा पूजा मनाएंगे। ये क्या हम एक आखिरी बात ये बताइए कि 9 देवी की पूजा होती है जिसमें 9 दिनों के इस त्योहार में हर दिन देवी का एक रूप होता है। आज अगर बात की जाए तो गौरी माँ का दिन है, यानी कि अष्टमी दिन है, माँ गौरी का दिन है, तो हर एक रूप का क्या मतलब होता है? अपना हर एक रूप का अपना अपना अलग मतलब होता है। पहले दिन माँ चंद घंटा का होता है, पहले दिन शैलपुत्री होती है, ठीक है, और दूसरे दिन आज महा गौरी का दिन है। आज के दिन इंसान अपने जितना भी हो सकता है उनसे माँ से अपनी अरदास कहता है और उनसे जो भी हो सकता है, माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं छोड़ती, मनोकामनाओं को पूरा करती है वो। आप जो भी कहेंगे, आप सच्चे दिल से, आप फूल भी मत चढ़ाइए, लेकिन अगर आप श्रद्धा भावना से उनके पास पहुंचेंगे तो माँ आपकी अरदास पूरी स्वीकार करती है, इतना मेरा भरोसा है जी। तो आपने सुना कि यहाँ एक मैं श्रद्धालु से बात कर रहा था जिनका साफ तौर पे कहना था कि माँ दुर्गा से जो भी आज आस्था रखेंगे उसमें माँ दुर्गा प्रसन्न होकर और उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करती है। सबसे हमें ये बताएं कि माँ दुर्गा का 9 रूप का क्या मतलब है? 9 दुर्गा का 9 रूप माता जी का ही है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडयानी, चतुर्थम चंद्रम, पंचम मिष्कंद माता जी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालदात्री, अष्टम नौ दुर्गा। मतलब समाज में, परिवेश में महिलाओं को जो सम्मान देते हैं उसका ये प्रतीकात्मक है। माँ को हम बुलाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, पूजन करते हैं। हम यहाँ खुद 5 दिन रहते हैं और पंडाल की व्यवस्था जो हमारे ही पास रहती है, और भक्तों को जो प्रसाद वितरण है, जो आरती वगैरह है, वो सब आसानी से सुलभ हो जाए, ये हम सुनिश्चित करते हैं। ये पूजा वास्तव में आप कह सकते हैं तो सार्वजनिक दुर्गा पूजा है, इसमें हर व्यक्ति जुड़ सकता है और जुड़ा हुआ है। पूजा होती है, हम लोग इकट्ठे होते हैं और जब पूजा खत्म हो जाती है तो फिर बीच में किसी से किसी का संपर्क नहीं होता, फिर 1 साल बाद मिलते हैं। तो ये हमारा परिवार 1 साल बाद मिलता है, ये माँ की कृपा है।
कोविड में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, लेकिन तब रिस्ट्रिक्शंस थे, मूर्ति छोटी थी और फॉलो अप करते हुए हम लोगों ने कोविड किया था, लेकिन ये निर्बाध गति से 11 सालों से 12 साल से लगभग चल रही है और माँ के आशीर्वाद से देखिए आप लोगों के सहयोग से सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना था कि माँ के आशीर्वाद से हम इस पंडाल को बनाते हैं और आज का दिन जो है उस दिन जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हो उसे पूरा करती है माँ। मनीष जी, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ मंच भी बनाया गया है जिस मंच से एक छोटी सी बच्ची अपने कला का प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बताएं कि इस मंच से जगराता भी किया जाता है, माँ की आराधना में लोग यहाँ आकर झूमते भी हैं, नाचते भी हैं। और आपको बताएं कि अभी आपने देखा कि एक बालिका अपने नृत्य के प्रदर्शन से लोगों को दिखा रही थी, तो साफ तौर से देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी किया जाता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा मैम, हमें ये बताएं कि माँ दुर्गा का नौ रूप का क्या मतलब है? और देखिए तो नवरात्रि जो होती है उसमें कहा जाता है कि बुराइयों पे अच्छाई की जीत हुई थी, इस पे लेके आप क्या सोचते हैं? हाँ, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हुई माँ की कृपा है, इसलिए हम सभी भाई बहने नवरात्र व्रत का उपवास करते हैं और माँ के चरणों में हम लोगों का अखंड विश्वास है, यही। अच्छा, आप पहले मेरा नाम बताएं और आप माँ दुर्गा से कहा जाता है कि मनोकामना मांगने में पूरी होती है, तो क्या आपने मनोकामना मांगी? नहीं, अभी तो मैंने कोई मनोकामना नहीं मांगी है। अच्छा, मेरा नाम मोजस पांडे है। अच्छा, ये बताएं तो क्या आप भी व्रत रहते हैं? फास्ट? बहुत कम। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको मेले में आके माँ दुर्गा का दर्शन करके? बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं लगता है दर्शन करके। आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि बुराई पर जो अच्छाई की जीत है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको आसुरी शक्तियों को जो है माँ ने नष्ट किया है, नहीं है तो बुराई पे तो अच्छाई की जीत है ही, और जो है ये जो है सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, नहीं है तो बस यही है और क्या है जी। तो साफ तौर पे आपने सुना कि श्रद्धालुओं का कहना है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि माँ दुर्गा से जो भी मनोकामना मांगे वो माँ दुर्गा आज के दिन पूरा करती है। मनीष जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए आपको कि आप भीड़ देख सकते हैं कि किस हद तक बढ़ी हुई है यहाँ पे और लोग अपनी आस्था को लेकर यहाँ आए हुए हैं और विभिन्न तरह के यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। रितेश, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि अब वहां पर आज क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं और वहां के दर्शकों का क्या उल्लास वहां पे आपको नजर आ रहा है, और कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करिए। करेंगे अभी फिलहाल हम लोग जो आज दुर्गाष्टमी के दिन यहां पे मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि जो ये पूरा दरबार सजाया गया है, सबसे पहले जो यहाँ की खास विशेषता हम आपको बता दें कि इस पूरे उत्तर प्रदेश का को कहें या कलकत्ता का जो रिकॉर्ड इसने तोड़ा है करीब 180 फीट का, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके का पंडाल, ये इतना भव्य पंडाल सजाया गया है जो लगभग 138 फीट लगभग इसकी ऊंचाई आंकी जा रही है। ये वृंदावन में इस्कॉन मंदिर जो बन रहा है उसके तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। आप दर्शकों को जरूर दिखाइए कि ये जो भव्य मंदिर है ये सिर्फ आपको लखनऊ में यही देखने को मिलेगा। इसके बाद जब ये मंदिर वृंदावन में बनके तैयार होगा तभी ये झांकी फिर से दोबारा देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज आप यहाँ ये देख सकते हैं कि इस पंडाल में, इस दरबार में लोगों का आना जाना लगातार बराबर शुरू है और यहाँ पे सभी लोग लगभग इस दरबार में इसलिए आज पहुंच रहे हैं क्योंकि आज दशमी है, दो दिन के बाद फिर आपका दशमी का त्यौहार आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी तक भी चल रहे थे, अभी आप देख सकते हैं कभी सम्मेलन भी चल रहा था, बच्चों का भी कार्यक्रम चला है और अभी हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो इस दरबार में आए हैं, इस प्रांगण में आए हैं और उन्हें किस कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। कुछ हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, हम एक बार कुछ अपने युवा से बात करेंगे कि वो यहाँ पे हैं और आप इस दरबार में आए हैं माता जी के दरबार में, आपको कैसा लगा इस दरबार में, क्या कुछ आपको यहाँ से? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सजावट लेके बहुत अच्छी है यहाँ पे, और देखिए अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये दो साल बाद हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है इस वजह से, और सब यहाँ पे भीड़ उड़ा धीरे धीरे। किस तरीके से आप लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं? हम जैसे देखिए अभी दर्शन करा हम लोगों ने आके,
हैं। अब देखिए धीरे धीरे कार्यक्रम होगा, फिर यहीं बैठ के एंजॉय करेंगे। और छुट्टी देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, मातृशक्ति भी जुड़ी है, एक बार हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उस दरबार में माता जी का दर्शन करने आई। कैसा लग रहा है आपको माँ के दरबार में आकर के? बहुत अच्छा। कैसी मूड, कैसा दरबार सजा हुआ? बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कोविड के बाद तो खैर इतना अब हम लोग निकलने को पाए हैं और काफी अच्छा लग रहा है। दो साल तो बहुत स्ट्रेस रहा है, दो साल तो बहुत ही बेकार ही गया। दो साल के बाद आप अपने आप में फुल एंजॉय कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आज का ये जो दरबार यहाँ पे माता लगा हुआ है, अष्टमी का दिन है जी, कुछ और संदेश देना चाहेंगे महिलाओं बच्चियों के प्रति? नहीं बस, अब कोविड ना आए ऐसे सब लोग एंजॉय करते रहे। ठीक है बिल्कुल। देखिए अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी, मनीष हम एक बार और कोशिश करेंगे कि कैसे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे इस दुर्गा पूजा को मना रहे हैं। यहाँ देखिए स्टॉल जो लगे हुए हैं, तरह तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ पे अमेरिकन भुट्टा भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें लगी हुई हैं। यहाँ काफी लोग हैं, कुछ महिलाएं और हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर दुर्गा पूजा में पहुंची है। और हमारे पास समय की कमी है जी, थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा श्रद्धालुओं में भक्तिमय वातावरण में आज हुई, और आपके माध्यम से, आपके और विभांशु के माध्यम से हमने माँ का पंडाल के दर्शन सभी भक्तों को कराए और बहुत ही भव्य पंडाल के दर्शन हुए हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे चिन्हट से विभांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता के दर्शन कराने के लिए, और रितेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकीपुरम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज माँ दुर्गा के अष्टमी 8वां दिन है जिसमें महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अष्टमी को दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी जैसे नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है, भक्त श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ माँ के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और माँ से सुख शांति की कामना करते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिलहाल हमारी इस प्रस्तुति में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे